पानी के लिए बोलना, फिर से करो, यहाँ पे तो यहाँ खड़ी रहो, मैं लाइट चालू नहीं की। लाइट तो है यार, तो फिर भी चालू करो ना अपना। पता ना, हम लोग एस्टैब्लिश हो रहे हैं ना। हाँ, तुम्हारे हिसाब से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लग रहे हैं ना। चलो फिर से शुरू। एक्टर बन गया ना। गाना हमारा अच्छा जा रहा है, थैंक्स टू जनता। गॉड, हो गया क्या? 75 हो गया। अरे तू नहीं बोला आज सिलेक्ट? अरे ऐसा नहीं था, आज सिलेक्ट हर और आज सिलेक्ट मी, तुमने बोलना था। हाँ, किसी एक को सिलेक्ट कर लो। हाँ तो वो बोल दो। हाँ, तुमने तो बोला था नहीं करना। अरे Why he started laughing? He should be like. सुनो, कहाँ हो तुम? रोकना था मुझे ऐसे हाथ पकड़ के, पहले ही बोलना था मुझे। ये रोकना है और करीब लेना है। ये कौन सी स्क्रिप्ट है यार? पहले मुझे बॉलीवुड में ऐसी स्क्रिप्ट होती है। नाउ कैन वी डू वंस मोर? इसमें ना नहीं है सर, उस साइड नहीं पता। ये था बिहाइंड द सीन। सीन में ये हालत है, सोचो रियल में क्या होगा। बिहाइंड द सीन थोड़ा आगे। अरे थोड़ा पीछे चलो भाई, लाइट है। बोल रहा हूँ मुझे। श्याम आदिल, आई लव यू। विल यू मैरी मी? विल यू मैरी मी? टेल मी नाउ। नहीं दे, साले मेरा दे, फ्लावर्स दे, दे, दे। फ्लावर्स की जरूरत है? दे, 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 बोलो ना। फ्लावर्स की जरूरत है, देना प्लीज।
सुनो सुनो सुनो, ये स्टोरी वो स्टोरी सब राखी करता पसंद नहीं आ रहा। जब वो बोली, वो इन्फ्लुएंसर आके बोली, आदिल मेरे साथ तुम्हें धोखा देता, राखी हाँ यही चाहिए मुझे, ये 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 बहुत अच्छा आएगा, ये बहुत अच्छा आएगा। नहीं नहीं, इन्फ्लुएंसर की अपनी स्टोरी होती है। क्या कॉन्सेप्ट है? ये भाई मुझे बहुत पसंद है, अच्छा सवाल पूछता है, बहुत अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है बनता। क्या 8 मिलियन? सॉरी, एक सुनाया मुझे। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू पीपल जो मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, मेरे गाने को इतने सारे लाइक्स मिल रहे हैं, फॉलोअर्स मिल रहे हैं। बापू, तेरा डेब्यू है, आई एम सो हैप्पी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट भी किया था जनता से, तो जनता मुझे अप्रिशिएट कर रही है, प्यार कर रही है। आई लव यू, आई लव यू, थैंक यू सो मच। पहले मुझे थैंक यू बोल, चुम्मी नहीं कर। थैंक यू पप्पू, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू बोल। थैंक यू जनता, आपने मेरे आदिल को बहुत पसंद किया, इसमें उसका पहला डेब्यू है यार, इज सो एक्साइटेड। उसे पहले से लगा कि अरे क्या होगा मेरा पहला सॉन्ग, मैं क्या करूँगा, मुझे तो कुछ नहीं आता है। पब्लिक ने प्यार दिया ना तुमको, और मुझे कौन करेगा? मैम, जैसे कि हम लोग अभी देखे स्टूडियो में क्या कुछ चालू था, उसके बारे में क्या कुछ बता। ये अभी रील्स बना रहे थे हम लोग, सब लोग इन्फ्लुएंसर जो आते हैं ना, तो सब लोग की अपने अपनी स्टोरी में किसका दिल कैसे टूटता है। फ्रैंकली देखा जाए तो रोज ये सबकी इंस्टाग्राम पे हर जगह यही रील्स चलता है, सबकी स्टोरी है कि कौन किसके दिल में रहने के लायक नहीं नहीं है। तो उस टाइम हम लोग सब लोग इन्फ्लुएंसर है, अपने अपने स्टाइल की स्टोरीज बना रहे। मैम, कोई इनका दिल तोड़ रहा है, कोई मेरा दिल तोड़ रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर जो है लड़के लड़कियां उनका दिल टूट रहा है। आदिल काफी एक्सपर्ट हो चुके हैं एक्टिंग में, बहुत बहुत एक्सपर्ट हो गया है, एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो ये मेरा चूजो, मेरा चूजो टीचर, टीचर टीचर कैसी है टीचर? हां टीचर तो अच्छी है, बहुत अच्छी, माइंड बॉगलिंग है। आ उप्स, थोड़ा मेकअप लग गया, सॉरी। अब क्या करता है तू? क्या करूं, तुम्हें चिपकली हूं ना, तुम्हें चिपकने की आदत है मुझे। आउच, फर्स्ट टाइम मिले तो बहुत शायद है, अभी एक्टिंग में मस्त ना, तो अभी ऐसा लग रहा है आदिल भाई एकदम एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने आप को, तो क्या कहना चाहोगे इस डिफरेंट चेंजेस में? शेयर क्या हो गया? नहीं, मैं सही हो गया वापस। नहीं, लोग पसंद कर रहे कि आप खुल रहे हो, इतना भी मत खुलना। नहीं, वक्त तो लगता है, व्हेन आई वाज वेरी न्यू मैं कैमरा फेस अब नहीं कर सकता था, इसी की तो मेरी ट्रेनिंग चालू है, कैमरा फेस कैसे करा जाता है, हाउ यू हैव टू टॉक एंड एवरीथिंग। मैम, आप दोनों के जोड़ी को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं, तो क्या आप दोनों एक सॉन्ग के अलावा एक मूवी भी करना चाहोगे, जैसे लैला मजनू हीर रांझा बनाए, तो ऐसा आप लोग के लव? मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लैला मजनू फिल्म बने, ये मेरा मजनून और मैं लैला, और फिर मैं गाना गाऊँ, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, है पापा? लेकिन अभी हमारा एक्शन मूवी चालू है। नहीं बड़ा, अभी हम लोग बहुत सारे, हम वी वांट टू डू रोमांटिक वीडियो मोर ऑफ, एंड वी वांट टू डू गुड मूवी लाइक ही एंड मी और हिम एंड अच्छी बड़ी हीरोइन है, व्हाई नॉट। लोग काफी एक्साइटेड हो रहे हैं आपको बिग बॉस के घर में देखने के लिए, तो कब जा रहे हो बताना चाहोगे? नो आइडिया, हमें तो खुद ही नहीं पता। पैकिंग वैकिंग हो गई? हां, चुप रहो पापड़े। लास्टली ऑडियंस के बारे में क्या कहना चाहोगे?
ऑडियंस के बारे में, फैंस के जो आपको प्यार दिए इतना। थैंक यू सो मच एवरीवन के तू मेरे दिल में रहने के लायक। जो गाना है आप लोगों ने बहुत पसंद किया, एक्चुअली हम लोग को रोमांटिक सॉन्ग करना चाहिए था। पूरी जनता मेरे दिल में रहने के लायक है, देश की पूरी जनता, इन्फ्लुएंसर, जितने भी स्टार्स, जितने भी लोग हैं, सब मेरे दिल में रहने के लायक है। और मीडिया भी, मीडिया तो मेरे दिल में रहने के लायक नहीं है। नहीं नहीं, सबका बहुत प्यार मिला, बट वी वॉन्ट टू डू मोर वर्क, आई एम सो एक्साइटेड। आदिल को खुश देखकर मैं खुश रहती हूँ। थैंक यू। अभी और शूट करना है गाइज, एबी बंसल म्यूजिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारा सॉन्ग जाके देखो जल्दी, और मिलियंस पे, बिलियंस, बिलियंस पे ट्रिलियंस करो जल्दी से प्लीज, मेरी गुजारिश है। और एक बंदा है उसमें साजिद, उसके बारे में फिर कभी बताता हूँ। साजिद को तो मैम धुपटेंगे ऐसे पकड़ पकड़, मैं बताता हूँ उसके बारे में पर्सनली नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा अभी कौन है बताओ।